जोधपुर में जुगसलाई पुलिस ने भाड़े पर चलाने के नाम पर चारपहिया वाहन बंधक रखने वाले नटवर लाल को धर दबोचा है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चार चौपहिया वाहन बरामद किए हैं। इस ठग का नाम औरंगजेब है, जो जुगसलाई के मिल्लत नगर का रहने वाला है। ये व्यक्ति बड़ी कंपनियों में वाहन भाड़ा पर लगाने के नाम पर पहले तो रजिस्ट्रेशन के मोटे पैसे वसूलता था और फिर वाहन लेकर गायब भी हो जाता था। बाद में वाहनों को गिरवी रखकर दूसरी पार्टी से भी पैसे लेता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस ठग को दबोच लिया। इस ठग की निशानदेही पर वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। पुलिस ये जानने में जुटी है कि औरंगजेब अकेले काम करता था या फिर उसकी पूरी गैंग इस धोखाधड़ी में सक्रिय थी। औरंगजेब नाम का ये शातिर लोगों को चूना लगाने का काम करता था। वाहनों की हेरा फेरी करके ये कई लोगों को चूना लगा चुका था। कई शिकायतों के बाद पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है इस ठग को गिरफ्तार किया जाना। प्रवीण हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, एक शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो वाहनों की खरीद बिक्री को लेकर लोगों को झांसे में लेकर काफी पैसे बना रहा था। पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में। जी दीपक, जो जानकारी भी मिल रही है हमें कि एक औरंगजेब नाम का एक शख्स है जो कि जुगसलाई थाना क्षेत्र के मिल्लत लंगर के रहने वाला है। उसका ये काम ही था कि पिछले 2-4 महीनों से वो लोगों को, जैसे वैश्विक महामारी में जिनकी चार पहिया वाहन खड़ी हैं और वो परेशान हैं वाहन मालिक, तो उनके पास जाता था और उनको बेवकूफ बनाकर गाड़ी को भाड़े चलाने के नाम पर उनसे गाड़ी लिया करता था। साथ ही अगर टिस्को, टेल्को, इन सब कंपनी में अगर उनको गाड़ी वाहन चलाना है तो इस नाम पर वो का पैसा भी अतिरिक्त तौर पर लेता था। तो इस तरह से वो उसने कई ऐसे दर्जनों ऐसे लगभग कम से कम 17-18 ऐसे पीड़ित लोग जो सामने आए हैं, वाहन मालिक, जिनसे उसने गाड़ी ली और लाखों रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए और फिर वो अन्य किसी लोगों को बंधक पर गाड़ी दे देता था और पैसे से फिर वो दूसरे जगह पर उस पैसे को रोल करता था। इस तरह से वो लगातार कई वाहनों को, लगभग अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि 17-18 चारपहिए वाहन, जिसमें लग्जरी कार भी है, बहुत सारे वाहनों को उसने लोगों से लिया और बंधक बनाकर दूसरे लोगों को दिया। तो इस तरह से जो जानकारी प्राप्त हुई कि 4 से 5 वाहन जो है जुगसलाई पुलिस ने जब्त कर लिया है, चार पहिए वाहन, और 15 से 16 वाहन आज शाम तक जब्त होने की संभावना जताई जा रही है। साथ में जो पीड़ित हैं, जो लोग अभी थाने पहुंचे हैं, उन लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता चल रहा है कि इस जो ये पूरा जो घटनाक्रम को ये इसके साथ कुछ और सहयोगी है, जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार पुलिस जो है औरंगजेब पर दबाव बना रही है कि इसका मुख्य सरगना कौन है। और वाहन, कुछ वाहनों की जो जानकारी दीपक मिल रही है कि कुछ वाहनों को इनके द्वारा बेच दिया गया है, कुछ वाहनों को ये कोलकाता भेज दिए हैं, बहुत सारे वाहन मिल नहीं पा रहे हैं, लोकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो नटवर लाल, ये शातिर जो ठग है, अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए इसके द्वारा ठगी किए गए हैं। वाहन जो है, करोड़ों रुपए के जो वाहन है वो ठगी किए गए हैं, जिसकी जब्ती जो है लगातार जुगसलाई पुलिस के दबाव से जो जब्ती हो रही है, शाम तक और संभावना है दीपक कि बहुत सारे वाहन जब्त हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिख रही है। पुलिस का कहना है कि जो पीड़ित हैं उनके द्वारा अभी फिलहाल FIR जो है वो थाने में किया नहीं गया है, लेकिन अभी वाहन जब्ती की जा रही है। FIR जब हो जाएगा उसके बाद वो पूरी जानकारी देंगे कि इसका मुख्य सरगना कौन है, आखिर ये वाहन जो लेता था वो कहां कहां और कितनी जगह पर उसने वाहन जो है ठिकाने लगाए हैं, क्या कुछ इनके द्वारा कितने लोगों से रुपए जो है ठगी की गई है। तो सारी बातें जो है दीपक, आज संभवतः आज रात तक जो है पूरा मामला साफ हो पाएगा कि ये जो वाहन, ये जो नटवर लाल का ये खेल है कितने दिनों से चल रहा था और इस खेल के पीछे और कितने लोग हैं, कौन है मुख्य सरगना, ये सारी चीजें दीपक सामने आ जाएंगी। नजर बनाए रखें, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद प्रवीण।
गाड़ी हमारा लिया और बोला कि हम आपका गाड़ी टिस्को में लगवा देंगे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 28,000 रुपया, दो आदमी से 28,000 रुपया लिया। अब बोला कि हम रजिस्ट्रेशन करवा के सारा हम गाड़ी आप लोग को महीना 18,000 रुपया में दे देंगे। फिर बोला सबसे पहले कि हम गेट पास आपका बनवाएंगे, इसलिए गाड़ी दे दीजिए, ऑनर बुक दे दीजिए। हम बोले कि ऐसे तुमको हम कैसे दे दें, तो एक सादा कागज़ पे लिटर में लिख करके दिया कि ऐसा ऐसा बात है, हम इनका गाड़ी इतना में हम महीना में ले रहे हैं और इनको दे देंगे। 20-25 आदमी का गाड़ी ले करके यहाँ से ले जाके किसी के पास गिरवी रख दे रहा है, वहाँ से पैसा ले ले रहा है, कुछ गाड़ी को बेच दिया है, कुछ गाड़ी कलकत्ता लेके चला गया है।